वाणिज्यिक शहर तिनसुकिया में आज फिर कोरोना संक्रमण के 147 मामले सामने आए। तिनसुकिया शहर में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या से जिला स्तर पर आंकड़ों में लगातार वृद्धि हो रही है। आज तिनसुकिया जिले में 147 कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने के बाद जिले में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 3080 हो गई है। हालांकि राज्य सरकार और जिला प्रशासन इस समय कोविड 19 को लेकर बेहद सतर्क हैं। सामुदायिक संक्रमण रोकने हेतु तिनसुकिया एवं माकुम नगर पालिका क्षेत्र में टोटल लॉकडाउन भी जारी किया गया है, लेकिन आज आए 147 नए कोरोना मरीजों ने एक बार फिर जिला प्रशासन को नए सिरे से सोचने पर विवश कर दिया है। आज पिछले 24 घंटे में 147 कोरोना मरीजों के सामने आने के बाद कुल संख्या 3080 हो गई है। तिनसुकिया जिले मन कोरोना संक्रमितों के लगातार बढ़ते आंकड़े, खासकर जिन मरीजों की ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है, वे जिला प्रशासन के लिए बड़ी समस्या बने हुए हैं। इस प्रकार के मरीजों की पहचान करना बेहद मुश्किल है और इनके चलते सामुदायिक संक्रमण का खतरा भी लगातार बनता जा रहा है। इस प्रकार लगातार बढ़ती कोरोना संक्रमितों की संख्या जिला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। लेकिन आज सोमवार का दिन जिला प्रशासन के लिए कुछ खास नहीं रहा। वाणिज्यिक शहर तिनसुकिया में आज फिर कोरोना संक्रमण के 147 मामले सामने आए। तिनसुकिया शहर में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या से जिला स्तर पर आंकड़ों में लगातार वृद्धि हो रही है। आज तिनसुकिया जिले में 147 कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने के बाद जिले में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 3080 हो गई है। हालांकि राज्य सरकार और जिला प्रशासन इस समय कोविड 19 को लेकर बेहद सतर्क हैं। सामुदायिक संक्रमण रोकने हेतु तिनसुकिया एवं माकुम नगर पालिका क्षेत्र में टोटल लॉकडाउन भी जारी किया गया है, लेकिन आज आए 147 नए कोरोना मरीजों ने एक बार फिर जिला प्रशासन को नए सिरे से सोचने पर विवश कर दिया है। आज पिछले 24 घंटे में 147 कोरोना मरीजों के सामने आने के बाद कुल संख्या 3080 हो गई है। तिनसुकिया जिले मन कोरोना संक्रमितों के लगातार बढ़ते आंकड़े, खासकर जिन मरीजों की ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है, वे जिला प्रशासन के लिए बड़ी समस्या बने हुए हैं। इस प्रकार के मरीजों की पहचान करना बेहद मुश्किल है और इनके चलते सामुदायिक संक्रमण का खतरा भी लगातार बनता जा रहा है। इस प्रकार लगातार बढ़ती कोरोना संक्रमितों की संख्या जिला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। लेकिन आज सोमवार का दिन जिला प्रशासन के लिए कुछ खास नहीं रहा। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, तिनसुकिया।